हाँ तो भैया कैसे हैं आप लोग। तो यार लास्ट में जहाँ वीडियो हमने छोड़ा था ना कि हम सरचू पहुंच गए हैं, तो यार यहाँ पे जो नींद जो आई है ना, मैं बहुत ही प्यारी नींद आई है। मतलब ऐसा क्या हुआ कि हम सुबह जल्दी भी उठ गए फिर वापसी सो भी गए। इस टाइम में धूप चढ़ गई है सर के ऊपर। तो दूसरी तरफ जो हो रहा है, हमारे टेंटों को हमने पलट के रख दिया था सूखने के लिए, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह आ जाती है ना तो थोड़ी धूप लग जाती है तो अच्छा होता है। तो इधर भी टेंट को डिसेंबल करेंगे और बाइक पे लोड करेंगे, साथ के साथ अपनी बाइक भी बगल में लोड हो रही है। और सुबह जब उठो ना तो रात भर जितनी मेहनत करी है ना अपने बाइक के चलाई है, तो एक बार सुबह देख लो कि बाइक की क्या कंडीशन है लोड करने से पहले। तो अपना पहुंचना है आज ले। ले से पहले घाटा लूप, तीन चार पासेज आएंगे, नकीला पास, तंगलंगला पास, वो भी क्रॉस करते हुए चलेंगे। ये देख रहे हो, ये रही हमारी बाइक है, उठा के अब ले जाते हैं रोड पे। और यहाँ पे भाई जो पहाड़ों में नींद आ रही है ना, गजब नज़ारे भी गजब। मतलब ये हमारे जो छुट्टियों के दिन जो चल रहे हैं ना, मज़ेदार चल रहे हैं। और जो सफ़र का जो मज़ा है ना, क्या ही बताऊँ। मतलब नज़ारे हर थोड़ी सी दूर पे चेंज हो जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखो, ये हमारी जितनी भी चाहिए सब पैक हो चुकी है, बस अब लोड करना बाकी है। तो फटाफट लोड करता हूँ और मिलता हूँ मैं आपको आगे। सरचू का जो वेदर है ना मॉर्निंग में, जो सुबह का है, वो ठीक है। धूप भी है, मतलब ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है। लेकिन जो रात का जो वेदर हुआ है ना सरचू का, भाई साहब बहुत ठंड हो गई थी। वो शुक्र है हमारे पास स्लीपिंग बैग और एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह होते हैं ना, तो उसमें काम बढ़िया चल जाता है, वरना तो ऐसी तैसी हो जाए। और ये जो आप टेंट देख रहे हो ना, ये इनका प्राइवेट टेंट है, तो हमने इन्हीं के पीछे लगा लिया था आराम से टेंट रात को इस जगह पे, और बढ़िया रहा। मतलब जो चार्जेस थे वो हमने दे दिए, क्योंकि हम भी तो अपना टेंट लाए हैं, उसको भी यूज़ करना है। तो हमने बढ़िया से यहाँ पे टेंट लगाया, सुबह मॉर्निंग में सब कुछ पैक कर लिया। तो ये रहा कुछ नज़ारा, और मज़ा आने वाला आज तो सफ़र में कुछ ज़्यादा ही। तो ये रहा भाई अपना चेतक, और देखो भाई फुल लोड है, देखो कितनी बढ़िया से लोड कर दिया। बस अब निकलते हैं आगे की तरफ। सरचू से रोड की कंडीशन देख लो क्या ही है, मतलब बहुत ही गजब। ऐसा लग रहा है अभी रोड बना है और क्लीन है पूरा रोड, मतलब क्या ही बताऊँ, जबरदस्त चल रहा है सफर, आराम से स्पीड मेंटेन हो जा रही है। लेकिन आगे जब घाटा लूप्स की तरफ पड़ेंगे तो एविलेशन बढ़ता रहेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा बाइक स्ट्रगल करेगी, लेकिन पहुँच जाएंगे बिना टेंशन के, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आने वाला है मज़ा। और सब में खास बात ये है कि वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब मैं इस टाइम में बाइक जो है मतलब ऐसा कोई ठंड महसूस नहीं हो रही, ठंड है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, आराम से बढ़िया। सोच रहे डे डे में जितना हमसे कवर हो सके उतना हम कवर कर लेंगे, और वो आज हम कर ही लेंगे, क्योंकि यार आज हम किसी तरीके से पहुंचना है। बाकी जो आगे का होगा वो अपडेट कर दूंगा। सोच रहे हैं हम ले पहुंच जाए तो होटल भी ले ही ले, क्योंकि यार 3-4 दिन हो गए कैंप करते हुए, एक होटल लेते हैं, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं हमारे, तो उसको भी धोना है वहाँ जाके आराम से धो लेंगे। भाई नकीला पास पहुंच गए, 15,747 फीट। भाई आपकी चेतक पहुंच चुकी है यहाँ पे। तो यार बस इतना ही था, ये तो फटाक से हमने वीडियो रिकॉर्ड किया, अब निकलते हैं क्योंकि यार बहुत तेजी से हमें जाना है। तो यार मेरी बाइक जो है ना उसकी स्पीड बहुत स्लो है, 15, 20, 30 ऐसे चल रही है, क्योंकि ज़्यादा मैं बाइक को स्ट्रेस दे भी नहीं सकता। ये यार अपनी बाइक
तो भाई एक और माइलस्टोन अचीवमेंट हो गया लाचुंगला पास। बहुत ही खूबसूरत नजारा यार, बहुत ही। थोड़ी दूर आगे जाके यार मैंने सोचा यार अब रुक लिया जाए, क्योंकि बहुत देर हो गए थे बैठे बैठे बाइक चलाते हुए, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए। और मैं आपको बताता हूँ यार, एक सीन हो गया कि मैंने ना, जो आपने देखा होगा अभी काटा लूप से वगैरह आते हैं इससे पहले, मतलब नकीला पास से, क्या है कि मैंने कैमरा ऑन किया लेकिन वो ऑन हुआ ही नहीं, शायद हैंग रह गया। लेकिन चलो कोई नहीं है, सफ़र में तो ये सब चलता रहता है। आगे थोड़ी सी दूर पे अभी यार फार्म है, और यार बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, तो सोच रहे हैं वहीं जाके कोई अच्छा सा ढाबा मिलेगा, मतलब बढ़िया सा लंच करेंगे, क्योंकि यार बहुत तेज सुबह से गाड़ी चला रहे हैं। और बस थोड़ी दूर में पांग आने वाला है, वहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आगे से कंटिन्यू। और देखो भाई अब हम पहुँच गए हैं पांग, यहाँ पे अपनी बाइकें सारी लगी हुई है। मैं जा रहा हूँ अंदर, खाना वाना खाता हूँ और आपको मिलता हूँ आगे, क्योंकि है ना ये है कि अब यार फ़ोन की बैटरी भी डाउन है, और प्लस में यार मैंने अपना पावर बैंक चार्ज भी नहीं किया था, तो बाइक पे अब चार्ज पे लगाऊंगा। पलट दो पूरी इसी के अंदर का मुंह उठा दो आराम से, मैं एक्सपीरियंस आ जाएगा ना। लेकिन तो तुम चारों से बड़ी टंकी है इसकी, कितनी है? 600 लीटर की टंकी है। आइए बस कुछ घटक भी पूरा हटाओ। अरे हो गया खाली यार, हटाओ यार, रुक जा, बहुत तेल है इसमें। हटियो ऊपर करियो। हाँ ये देखिए ऊपर तेल ना आ रहा है। मैं वो ऐसी है किनारे पांग से आई थिंक 40-50 किलोमीटर दूर। भाई ये लैंडस्केप देखो मिला है, बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है, और इसको मोरे प्लेन्स कहते हैं यार। मज़ेदार बाइक भाई यहाँ चलाने में गजब ही मज़ा आ रहा है। मतलब पहले हम पहाड़ों पे ऊपर नीचे कर रहे थे, लेकिन अब ये प्लेन रोड मिला है तो भाई बहुत ज़बरदस्त रोड है, बहुत। जैसे जैसे हम बाड़ों से नीचे आ गए ना, तो अब देखने को मिल रहा है कि थोड़ा है ना अंधेरा शुरू होने लगा है। मतलब वैसे तो रोशनी रहती है पहाड़ों पे देर तक, लेकिन अब यार ऐसा लग रहा है कि शाम बहुत जल्दी हो जाएगी। इस हिसाब से हमें ड्राइव भी थोड़ा फास्ट करना होगा, क्योंकि यार कब तक हम नज़ारों को ज़्यादा इंजॉय करते करते ऐसा ना हो कि रात यहीं हो जाए। तो भाई ये देख लो कितने खूबसूरत पहाड़ है, मैंने यहाँ देखा है यार हर पैच पे कुछ नया कलर पहाड़ों का, कुछ नया ही देखने को मिलता है। आप देखो जैसे कितने ही पर्पल कलर के पहाड़ दिख रहे हैं भाई, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और उससे ज़्यादा भी खूबसूरत तो ये कि यार रोड्स बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत जगह पे हमें ऑफ रोड भी मिला है, ऐसा नहीं है। लेकिन यार जब रोड क्लीन मिलता है ना, मतलब ऐसे ही क्लियर मिलता, तो फिर हम फटाफट बाइकें भगाते हैं। जहाँ मतलब धीरे चलाना होता है वहाँ धीरे चला लेते हैं, जहाँ मतलब ऐसे क्लीन और बढ़िया रोड मिलता है ना, वहाँ पर जितना खींच सके उतना बाइक को खींचते हैं। फिर क्या होता है कि जब अच्छा फिर जब रुकना होता है तो रुक जाते हैं नज़ारों को देखते हैं।
और यहाँ मैं रुका था आपको ये दिखाने के लिए कि ले अब रह गया सिर्फ 26 किलोमीटर, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, इतना कुछ अब दूर नहीं है, अब धीरे धीरे ही चलाएंगे तो पहुँच जाएंगे। बाकी सब साथ के मेरे जितने भी भाई बंधु हैं सब आगे पीछे ही है थोड़ा सा, इतना कोई दूर नहीं है। तो जैसे जैसे आप देख ही रहे हो कि यार शाम ढलनी शुरू हो गई है और सूरज डूब रहा है, तो यार अब सीधा एक ये है कि अब जितनी मतलब जैसे भी पहुँचेंगे ले सिटी में तो होटल्स ढूंढेंगे। यार अब देख ही रहे हो यार हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट रात हो गई है। जैसे भी होगा हम मैं आपको, अब तो क्या है कि कैमरे की बैटरी भी डाउन हो गई है तो जितना शूट होगा शूट कर लूँगा, वरना तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आपको मैं नेक्स्ट डे दे दूँगा व्लॉग में आके। मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। हम कल रात को यहाँ पहुँच गए थे और एक ये छोटा सा रूम लिया था क्योंकि अब स्टे करना बहुत ज़रूरी था। 4-5 दिन से हम टेंट ही अपना लगा रहे थे, कैंपिंग कर रहे थे, तो कल हमने स्टे लिया था। स्टे बहुत अच्छा है, मैं आपको एक बार रूम टूर करवा दूँगा, लेकिन आप यहाँ व्यू देख सकते कितना प्यारा है। बहुत अच्छा प्यारा व्यू है। आज की वीडियो का अपडेट ये है कि हम जाएंगे पहले लद्दाख शांति स्तूपा, फिर जाएंगे हम खारदुंग लाबास जितना कवर हो सके हमसे। नाइट स्टे यहीं पे है लेह में, और कोशिश करूँगा कि मैं शाम को आपको लेह मार्केट एक्सप्लोर करूँ, और फिर कल का जो अपडेट होगा मैं आगे की वीडियो में बता दूँगा। थैंक यू। फैला हुआ था और इस पर मत जाना, रूम भाई बहुत साफ था, हमारा लगेज ही इतना सारा है क्या ही कर सकते हैं, थके हुए थे। और ये रहा वॉशरूम, क्लीन है, बढ़िया है, इतने बजट में तो मतलब ये लेह में जो हमने रूम लिया उसमें यहाँ पे हीटर भी लगा हुआ है, कैटल भी है पानी गर्म करने के लिए, टीवी है उसका पता नहीं हमें चलता है क्योंकि हम होश में थे। हमारे साथ एक अच्छी बात ये हुई थी कि जहाँ पे हमने होटल लिया था ना उसी के पास में पंजाबी ढाबा था, तो हमारी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई थी कि जो हमें नॉर्मल खाना चाहिए था ना वो मिल गया था। तो ये रहा अपना पंजाबी ढाबा, बढ़िया सा खाना मिल गया था भाई 150 रुपये में, मस्त खाना था। तो आज जो हमने खाना लिया है मैं दिखाता हूँ एक बार अंदर जाके कि इन लोगों ने क्या ऑर्डर किया। वैसे तो मैंने वेज थाली ऑर्डर करी है, तो वेज थाली 150 रुपये की थी यार, बहुत मस्त थाली। तो एक बार मैं देखता हूँ क्या इन्होंने मंगाया आज। तो थाली में भाई ये है, 2 सब्जी है, नान है, सलाद है, बस इतना ही सब कुछ है। तो मैंने भाई सब्जी में आलू की सब्जी ली थी, नान लिया था, और एक हमने सुबह का खाना तो बहुत अच्छे से खा लिया था, तो हम पे टाइम भी अच्छा खासा बचा हुआ था। तो यार इतनी सारी जगह है लद्दाख में घूमने के लिए, तो यार हम सब ने डिसाइड किया कि यार आसपास की जगह ऐसा करते हैं कि बाद में कवर कर लेंगे कि धूप ज़्यादा तेज हो रही थी, तो हमने सोचा कि हम निकलते हैं पहले थिक्से मॉनेस्ट्री के लिए। तो यार मैं आपको डायरेक्ट अब मैं थिक्से मॉनेस्ट्री में मिलता हूँ, और ऐसे यार साथ जुड़े रहना भाई।